हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं और हम लोग किस किस क्षेत्र में हम लोग कंप्यूटर का उपयोग आजकल कर रहे हैं। ओके, तो जैसे कि हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में यह भी बताया था साथ साथ कि हमारा जो आने वाला वीडियो होगा उसमें हम आप लोगों को बताएं कि इनपुट डिवाइस क्या होती है और प्रोसेसिंग क्या होता है और हमारा आउटपुट डिवाइस क्या होती है। ओके, तो आज हम बात करते हैं, जैसे कि हमने बताया था आप लोगों को, एक पहले क्या होता है, इनपुट होता है, बाद में कुछ प्रोसेस होता है, बाद में हमारा आउटपुट यानी कि रिजल्ट प्राप्त होता है। ओके, लेकिन हम लोग आज समझें कि हमारा इनपुट होता है लेकिन किसके माध्यम से होता है, और प्रोसेस भी हमारा होता है तो किसके माध्यम से होता है, और जो हमारा आउटपुट होता है वो भी किसके माध्यम से होता है। आज हम चर्चा करने वाले हैं इनपुट डिवाइस के बारे में कि हम डाटा को इंटर करते हैं। जैसे कि हमने बताया था आप लोगों को इनपुट क्या होता है, इनपुट से हम क्या करते हैं, डाटा को अंदर करते हैं, ठीक है, यानी कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं, डाटा को इंटर करते हैं, यानी कि कंप्यूटर के अंदर डाटा को प्रविष्ट करते हैं। ओके, अब हम लोग डाटा को कंप्यूटर के अंदर किसके माध्यम से प्रविष्ट करते हैं, हम लोग उसे कहते हैं इनपुट डिवाइस। जी हाँ, यानी कि हम डाटा को कंप्यूटर के अंदर हमको इंटर करना होगा यानी कि प्रविष्ट करना होगा, तो भाई हमें किसी ना किसी इनपुट डिवाइस की आवश्यकता होगी। तो भाई इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है, जी हाँ, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इनपुट डिवाइस हमारी कौन कौन सी होती है, यानी कि जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर में डाटा को प्रविष्ट करते हैं उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को इंट्रैक्शन देते हैं, ठीक है। जैसे कि ऐसे हमको ए लिखना, तो क्या करेंगे हम कीबोर्ड में ए वाली बटन को ढूंढेंगे और इसको प्रेस कर देंगे तो हमारा ए लिख जाएगा, ठीक है। ये हमारी कौन सी डिवाइस हो गई, इनपुट डिवाइस। और फॉर एग्जाम्पल हमारा हो गया स्कैनर, स्कैनर से हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु हो चाहे कुछ भी हो या कोई भी डॉक्यूमेंट हो, हम लोग क्या करते हैं उसको स्कैन करते हैं, स्कैन करते हैं, यानी कि स्कैन करके हम लोग कंप्यूटर में डाटा को इंटर करते हैं, उसे हम लोग इनपुट कहते हैं। ओके, तो जैसे कि स्कैनर भी हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। हमारा जो कीबोर्ड है वो भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। जो हमारा होता है माउस, आप लोग समझते होंगे माउस, वो चूहा की हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे, मतलब चूहे जो होते हैं घरों में हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। माउस एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। यदि आप लोगों को नहीं पता है माउस क्या होता है, हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि माउस क्या होता है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि हमारी इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है, हमारा प्रोसेसिंग कैसे होती है, और जो होता है हमारी आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है। टॉपिक में सिर्फ चर्चा करने वाले हैं इनपुट डिवाइस के बारे में कि हमारी इनपुट डिवाइस क्या होती है। जैसे कि हमने आपको सर्वप्रथम बताया कि हमारी जो कीबोर्ड होती है वो हमारा इनपुट डिवाइस है। ओके, कीबोर्ड जो हमारा है ये हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। ओके, प्लस जो हमारा माउस है ये भी हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। ओके, इसी प्रकार से हमारा होता है स्कैनर, स्कैनर जो हमारा होता है वो भी हमारी क्या है, इनपुट डिवाइस है। ओके, तो शायद आप लोग समझ गए हो कि हमारी इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं। जैसे हमारा हो गया कीबोर्ड, माउस, मैक, ओके, या प्रिंटर। जैसे कि आप लोग समझते हो प्रिंटर, हाँ, एक प्रिंटर जो है एक ऐसा सिस्टम है, ये क्या कर रहा है, आजकल के जो प्रिंटर आ रहे हैं न्यू वर्जन, ठीक है, इसे क्या कर रहे हैं, स्कैन भी कर रहे हैं प्लस आउटपुट भी प्रदान कर रहे हैं। तो हमारा प्रिंटर तो हमारा हो गया, इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस हो गई। ओके, तो शायद आप लोग समझ गए होंगे कि इनपुट डिवाइस हमारी कौन कौन सी होती हैं, यानी कि इनपुट डिवाइस हम लोग उसे बोलते हैं जिसके माध्यम से कंप्यूटर के अंदर डाटा को हम प्रविष्ट करते हैं। ओके, तो और हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं आप लोगों को आउटपुट डिवाइस के बारे में कि हमारी आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है। तो यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।